गठबंधन में मांग जीत होगी। ये कांग्रेस नागनाथ ये सांपनाथ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। हरियाणा की धरती पर खड़े हैं, यहाँ पर आपको नीले और हरियाणा रंग के जो है साफे नजर आ रहे होंगे। कोई गले में डाल के घूम रहा है, कोई सर पे बांध के घूम रहा है, क्या कारण है? आज जो नीले रंग को सर का ताज बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका वो बताएं, और ये सिर का ताज नीला रंग क्यों बना रखा है? कृष्ण कुमारी, ये बाबा साहब की वो है। बाबा साहब का क्या है? बाबा साहब की देन है ये बाबा साहब की देन है। हाँ, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमने पार्टी बनाया है, इसके हम सर BSP जिंदाबाद। BSP जिंदाबाद और इनेलो जिंदाबाद। मैं जिला कार्यकारिणी जी। हाँ, जिला कार्यकारिणी। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन जो है वो गठबंधन में जो मांग में जीत होगी? अच्छा, हमारी जीत होगी, पूर्ण रूप से आने वाली है। पूर्ण रूप से आने वाली है। कांग्रेस भी यही कह रही है, BJP भी यही कह रही है। ये कांग्रेस नागनाथ ये सांपनाथ है जी। हाँ, दोनों थोड़े पहलू हैं। संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी। 1985 में कांग्रेस बनी थी, 1925 में कांग्रेस बनी थी, 1925 में कांग्रेस बजट के आगे थे जी। और कांग्रेस बजट ने कांग्रेस के बाद जो सरकार बनी उसमें से 70 लाख% रोजगार खाली कर दिया जी। कौन टाइम से बताओ जी, अब ये सरकार BSP बनेगी, बनेगी हरियाणा में BSP की सरकार बनने वाली है। हाँ, BSP की गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों सरकार गठबंधन में ऐसा क्या है जो आज सारे लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं? क्या ये गठबंधन की सरकार बनेगी? कुछ नहीं जानते, बाबा साहब ने तो बता दिया, बाबा साहब ने तो बता दिया। अरे बोले किसान बोलना सिर्फ समाज पार्टी और आठ सीट बहुजन निकाली है, 19 सीट अपना लोकदल निकाले। 40 साल से लगे हुए जिनमें 84 में काशीराम मंत्री बना, उसके पहले मंत्री बनने बाद में विश्वनाथ प्रताप को जागृत किया, हरिभम सरकार बनाई देवला की। अभी हम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप लग रहा है कि इस वक्त 40 साल का सपना पूरा होने वाला है। और 40 साल अपना पूरा होना है, काशीराम ने जो दिया था विश्वनाथ प्रताप का लीला। अब जो 36 बिरादरियां बोलते हैं वह 36 बिरादरियां साथ आएंगी। अबे छोटा नहीं, जो सपना पूरा करिया बाप का दे, ओम प्रकाश चौहान जो सपना देखा उसको साथ मिलने का आसार दिया, तो हमने सरकार बनाने का। तमाम पार्टियां अपनी ताल ठोकने लग रही है, BSP भी। कुछ नहीं है, हमें सरकार बनेगी, दोनों गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो लोगों को क्या मिलेगा हरियाणा? बहुत फायदा होगा, हम सब वो करेंगे, बहुत फायदा देंगे हम लोगों को। हाँ, किस तरीके के फायदे की बात कर? सब ठेकेदारी बंद कर देंगे, सब सरकारी नौकरी देंगे, ठेकेदारी व्यवस्था बंद करेंगे। और जो आज में चल रहे हैं रोजगार पेंशन कम रही है, उसको पेंशन दी जाएगी। बात करें वाजपेयी में 13 दिन के दिन को वाड़े पोस्ट ऑफिस रिटायरमेंट हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस इतनी सरकार से कि जो बहन जब बाप था मेरे पोस्ट ऑफिस में था, मैं बुढ़ापे में देखा था। आज मेरी 43 उम्र होगी, बचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम पार्टियां जो है वह वादे कर रही हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, तो सारी में बहुत दिखे ये इनको। महात्मा गांधी ने पीड़ा अटैक में पुण्य सोचा, महात्मा गांधी को अंबेडकर लड़ाई कराया, उसको मैं दे दिया, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मैं क्या सब दिखा है उसका आदमी। अरे क्या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने पीड़ा कर दिया। हाँ, छोटे राम ने कर रहा भोड़े किसान बोलना शब्द। हाँ, छोटे छोटे राम ने भी बाबा साहब का कहे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बाबा साहब कहा, जोड़ आप इस बात देखो क्या वो होने वाला है, क्या चर्चा होने वाला है, बस इस बात है आप देखो। जय भीम, जय भारत जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।